सो फाइनली गाइज रेडमी नोट 8 प्रो इंडियन डिवाइस के अंदर MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो फाइनली यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है पायलट यूजर के लिए। अब पायलट यूजर क्या है, नॉर्मल जो यूजर है उनके लिए अपडेट कब तक मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, और बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कमाल के यहाँ पर फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 अपडेट के अंदर। सो कम्प्लीट इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइज उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है सो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाते हो, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जैसे नॉर्मल यूजर के लिए अपडेट यहाँ पर रोल आउट होगा इसी तरीके से आपको वीडियो है वो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस के बारे में, फाइनली आपको इंडिया के अंदर 12.5.3.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। 2.1 GB की टोटल साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी अपडेट के अंदर आपको जुलाई का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है सिक्योरिटी पेस लेवल का। सो इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी, अब बात कर लेते हैं फीचर के बारे में। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ फर्स्ट फीचर के बारे में। सो आपको फर्स्ट फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में स्विच हो सकते हो कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन पैनल के अंदर एंड नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो ये वाला आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्वाइप करने की यहाँ पर आदत है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर आदत है वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। और इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में ब्राइटनेस लेवल वाला जो कंट्रोलर है वो यहीं पे पिन हो जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में एक और बार स्वाइप करने के बाद में जितना भी ये जो फंक्शन है सिस्टम है वो यहाँ पर पूरा नीचे चलाता था, तो ये अब यहीं पे पिन हो जाता है, जो कि आपको कमाल का एक चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और सेकेंड चेंज है वो आपको नोटिफिकेशन जो पैनल है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई भी नोटिफिकेशन है उस पर यहाँ पर प्रेस करके रखना है, और आपको अलो स्नूज एंड मोर की एक सेटिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो डायरेक्टली आप लोग इसको यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और आपको एक और चेंज है वो सेटिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन के अंदर। सो लॉक स्क्रीन को यहाँ पर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज अनलॉक। सो आपको सेपरेट एक अलग फीचर है जो कि यहाँ पर दिया गया है, और जैसे आप लोग इस पे यहाँ पर प्रेस करते हो आपको एक बहुत ही कमाल का चार्जिंग एनिमेशन है वो लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो ये एक आपको बड़ा चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सेकेंड चेंज है वो आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन पैनल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर स्टाइल। सो फाइनली आपको दो स्टाइल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जहां पर आप लोग पुरानी वाली जो स्टाइल है इसको भी यूज कर सकते हो, और जो नई वाली स्टाइल है इसको भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर एनिमेशन है वो यहाँ पर एड की गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और आपको एक और चेंज स्मार्ट होम का यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आपको फाइनली एंड्रॉइड 11 ईस्टर एग वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से स्वाइप करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट डिवाइसेज का आपको ऑप्शन है वो मिल जाता है, फूड बाउल, वाटर बबल और टॉय। सो इनके आपको फीचर मिलते हैं, लेकिन आपको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से। सो मैं यूज नहीं करता हूँ, ऑफ पे यहाँ पर रखता हूँ। गाइज आपको एक और चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, आइटम शो ऑन दी लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन। सो आपको प्राइवेसी से रिलेटेड एक फीचर है जो कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन शेड है इसको यहाँ पर ऑफ कर दिया है, और कंट्रोल सेंटर है इसको भी यहाँ पर ऑफ कर दिया है। सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ लॉक स्क्रीन को, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं दोनों को ही यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, और जैसे ही मैं फोन है उसको यहां पर ओपन करता हूं। सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन सेट दोनों को भी मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में लॉक स्क्रीन से मैं इन दोनों को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को इनको यूज करना है सो कर सकते हो, वरना इनको ऑफ है वो भी यहाँ पर रख सकते हो। और आपको यहाँ पर
नोटिफिकेशन सेट है वो एंड्रॉइड और MIUI के दो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सो आप लोग इनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब गाइज आपको एक और चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। सो आप लोग देख सकते हो आपको एक कंप्लीट नया लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन, रिंगटोन एंड अलार्म। और इनके अंदर भी जो चेंज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है जो कि है साउंड असिस्टेंट। बहुत ही कमाल का ये फीचर है, इसके ऊपर तो मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, इतना ये कमाल का फीचर है। सो कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो तीनों यहाँ पर ऑफ होके रखेंगे, तीनों को ही आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में कोई भी आप लोग अपनी म्यूजिक एप्लीकेशन है या फिर यूट्यूब है, कोई भी यहाँ पर गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना यूट्यूब चैनल है इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है, और एक जो वीडियो है उसको यहाँ पर प्ले करता हूँ और वॉल्यूम है उनको यहाँ पर डाउन करता हूँ। और यहाँ पर आपको एक अलग से ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है साउंड असिस्टेंट का, और यूट्यूब की वॉल्यूम है वो मैंने यहाँ पर सेट करके रखी है, आप लोग देख सकते हो 30% यहाँ पर कह सकते हैं। अब ब्रेक आने के बाद में कितना भी यहाँ पर फोन है उसको यहाँ पर यूज कर लूँ और वॉल्यूम जो सेंटर है इनको यहाँ पर पूरा फुल कर देता हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं यूट्यूब है एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर ओपन करूंगा, चाहे एक दिन बाद में या फिर कभी भी। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसकी वॉल्यूम है वो अभी तक भी 30% है, वहीं पे यहाँ पर सेट है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का आप लोगों को यहाँ पर फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों आप सेकंड फीचर बताने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। एक बार फिर से अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी, सो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है सो इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग अपने डिवाइस को मैन्युअली यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, लिंक है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। नोटिफाई अबाउट कॉल, सो ये वाला भी आपको एक नया चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि कोई का भी यहाँ पर कॉल आता है और अगर आप लोग रिसीव नहीं कर पाते हो आप लोग यहाँ पर सेट करके रखते हो, सो जैसे आप लोग अपने फोन को यहाँ पर पिक करोगे आप लोगों को एक साउंड है वो यहाँ पर सुनाई देगी। अब यहां पर वाईफाई को करते हैं ऑफ, और अब मैं आपको बताता हूं सेकंड चेंज के बारे में। साउंड एंड वाइब्रेशन नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और जो रिंगटोन है उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके का चेंज है वो यहाँ पर मिलता है, और जो अलार्म सेक्शन है इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके का चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइज आपको फाइनली एडिशनल सेटिंग के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर बटन और नेविगेशन गेस्चर बार का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस के अंदर। सो आप लोग इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा स्मूथनेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसी नए ब्रांड न्यू फीचर के अंदर। सो इसको ऑन करना है, सो ऑन करने के लिए आपको फुल स्क्रीन गेस्चर का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर इनेबल कर देना है। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट है सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में यहाँ पर बता सकते हो, 110% आप लोगों को रिप्लाई है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि एक वीडियो में बताना मुश्किल है क्योंकि वीडियो वो यहाँ पर 15-20 मिनट की यहाँ पर बन जाएगी। सो अगर आप लोग बोलोगे मुझे नीचे कमेंट्स में सो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।